सेम से ही पूछेगा ना। हाँ हाँ यहाँ यार टीवी से बनके मैं बॉलीवुड में ही जा रहा हूँ, और अगर आपने सुना होगा तो मेरी भी ऑन फ्लोर आ गई है धीरे 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 धीरे। तो बॉलीवुड से जुड़ा हूँ तो जुड़ा रहना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, और जब से स्टार्ट हुआ तब से ही मैं अपना टेबल बुक करा चुका था, और हो सकता है सबसे पहले मैंने ही घंटी बजाई है। तो बॉलीवुड में, और मतलब बॉलीवुड में रहते हुए बॉलीवुड ना सुनूँ तो इससे मेरे पे तो लालत है फिर, तो इसलिए भाई बॉलीवुड ही सब कुछ है। आज का डीजे भी आपका पहचान वाला है, तो उसको लेकर कितने खुश हैं आप, कितने एक्साइटेड हैं? यार अभी हुआ क्या है ना, इस इंडस्ट्री में जो भी मिलता है ना, पता नहीं मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं कब से जानता हूँ मैं, आप लोगों में भी ये लग रहा होगा मनवीर भाई पता नहीं कब से जान रहे हो। बंदा मुझे मिला था, मैं स्पेन से आ रहा था खतरों का खिलाड़ी करके, और फ्लाइट में मिला था मुझे, और डीजे अमन भाई ने नाम भी बताया, नंबर भी डीजे प्लेन करके सेव है, अभी कॉल मिलाई उसने, और उसका फोटो देखा है कुछ अपने भाई का ही है तोहिद का। तो हर बार ही आता हूँ, लेकिन आज कुछ स्पेशल है कि बॉलीवुड बजेगा तो बैठेंगे पूरे टाइम तक, देखते हैं सुबह तक मिलेंगे आप लोगों को यहीं। ऐसा कोई गाना है जिसमें आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? जिसमें सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, यार मैं अभी भी बोल रहा था थोड़ी देर पहले, मतलब मेरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेलेक्टिव है, बट जो कान को अच्छा लग जाए सुनने में, मन को सच्चा लग जाए सुनने में, वो सुन लेता हूँ। और अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया के गाने बहुत बढ़िया लगे थे मेरे को, तो उस मूवी से गाने बजेंगे तो मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा शिल्पा जो है बिग बॉस विनर हो चुकी है, नहीं छोड़ोगे तुम? क्या कहना चाहेंगे? यार देखो हम दोनों ही कहीं ना कहीं अलग रहे हैं, शिल्पा की एक फ़ैन फॉलोइंग थी जो उसके साथ चली है, और शिल्पा ने, मेरा भाई आ गया, आ जा वीरे, और शिल्पा ने जो किया है, मतलब शिल्पा की एक फ़ैन फॉलोइंग थी जो लोग उन्हें थोड़ा गलत समझ रहे थे, सही समझ रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है। मेरी कोई फ़ैन फॉलोइंग थी, मैं कॉमनर वर्सेस गेम में आया था और आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, तो मैं तो यार वहाँ से उठा था और जहाँ तक पहुँचा हूँ। आपको लगता है कि एज अ सेलिब्रिटी थोड़ा सा आसान हो जाता है वो मुकाम पर पहुँचना? हाँ कहीं ना कहीं हो जाता है यार उस मुकाम पर पहुँचना, मतलब कि अगर अभी मुझे कुछ ऑफर मिलते हैं तो मुझे एज ए सेलिब्रिटी मिलेंगे, तो मतलब देखो ना कि मुझे 6-7 चीज़ें क्लियर नहीं करनी पड़ेंगी, वीडियो इंटरव्यू बाइट ये वो, अभी मूवी भी मिलती है तो नाम से और लुक से और इन चीज़ों से, तो अभी वो उन चीज़ों से मैं आगे निकल गया हूँ कि लोग लाइन में लगा के ऑडिशन लेते हैं ये लेते हैं, बट जैसा मैं हूँ, जैसा वहाँ था ऐसा ही मैं अभी बाहर भी हूँ, बोलता मैं ऐसा ही हूँ, पहले भी मैं ऐसा ही बोलता था। तो शिल्पा में और मुझ में बहुत डिफरेंस है, शिल्पा को पता है कि कैमरा क्या है, शिल्पा को पता है कि फैंस कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, मेरे लिए सब दोस्त है, और ये मेरा भाई है, दोस्त है, बड़े भाई हो, तो ये है पाजी जी जो हमें यहाँ तक खींच के ले जाते हैं, और अभी आगे इनको पकड़ लो, लव यू पाजी, लव यू टू, निकलूं मैं? कोई बोल रहे कहाँ निकलने का भाई? अरे भाई यार हाँ, मैं रणवीर भाई का बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ, और मेरी उनसे बात भी होती है कभी कभी, लेकिन मैंने देख के ना कोई ट्वीट किया है ना कुछ किया है, क्योंकि पब्लिक ना किसी और ही तरीके से देख रही है, आप जो वो दिखा रहे हैं अगर वो देखने जाओगे ना तो आप समझ जाओगे कि उन्होंने किया क्या है। एक मूवी के पीछे इतनी मेहनत लगती है यार, इतने लोगों का घर बसता है, इतने लोगों का पेट चलता है, जो बाहर लोग हैं ना उनको कुछ समझ में नहीं आता। अगर हमारे ऊपर भी बहुत पहले एक मूवी आई थी कोई मेला जिसमें गुज्जर था, उसको समझ के गुज्जर सब डर जाते हैं, भाई मैं भी तुम्हारे सामने गुजर ही खड़ा हूँ, तो जो वो दिखा रहे हैं ना उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी लोगों ने किया क्या है। एक डेली सोप के पीछे, एक मूवी के पीछे 1000 लोगों का पेट पलता है, अब अगर उसे रिलीज़ नहीं होने दोगे, उसे देखने नहीं दोगे, तो वो कैसे खाएंगे कमाएंगे, मेरे तो समझ में नहीं आता बाहर लोगों का। तो मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करो लोगों को बताने की यार ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि नहीं आता यार, मैं बोल भी नहीं पाता कि ये लोग कर क्या रहे हैं बाहर। अभी मैं यहाँ से उठा के किसी को यहाँ मारना शुरू कर दूंगा ना तो 10 आदमी सोचेंगे मारा क्यों, तो मुझे बताएं मेरी खुन्नस क्या है, वो खुन्नस नहीं होनी चाहिए। आप जैसा रिएक्ट कर रहे हो वैसे ही सामने से रिएक्शन आना चाहिए, देख लो मूवी, नहीं देखनी है तो ऐसा कर दो जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में टीवी फोड़ दो, इस पर गुस्सा निकालो, बट बस पे अटैक किसी पे मारना वारना भाई बियॉन्ड, बहुत दुख होता है, तो वो मत करो, मूवी को मूवी की तरह देखो। और पद्मावती या पद्मावत की बात करूँ, लोग जानते नहीं थे, आज लोग जानने लग गए हैं, तो कोशिश करो कि जो लोग जिंदे हैं ना, मतलब रिस्पेक्ट है उनकी भी, बट जो जिंदे हैं उनका ध्यान दो, लव यू फैलाओ। चलो पाजी यहाँ डन।